Hey everyone, this is Swapnali. Welcome to Swapna Creation Hobby Store. Today we are making gold chocolate fantastic cake. So please, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना यूनिक केक लग रहा है. सो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा. गोल्ड चॉकलेट फंटासी केक. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी चॉकलेट बेस रेडी कर लिया है 3/4 kg का. अभी उसे हम लोग कट करेंगे. 4 लेयर में मैंने यहाँ पे कट किया है. सेकेंड लेयर कट कर लेते हैं अभी. कटिंग का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. अभी टाइम है सोकिंग का. सो मैं शुगर सिरप से यहाँ पे सोकिंग करूँगी. व्हिप क्रीम में हम थोड़ा सा चॉकलेट गनाच मिक्स करेंगे. चॉकलेट गनाच कैसे बनाना है इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप चेक कीजिए. और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा. अभी हम लोग लेयरिंग करेंगे. सो मैंने यहाँ पर क्रीम ऑलरेडी ले लिया है. आप चाहो तो पाइपिंग बैग से भी यहाँ पे स्प्रेड कर सकते हैं. अब पैलेट नाइफ लेके उसे अच्छे से स्प्रेड करना है. आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. अच्छे से स्प्रेड होने के बाद हम लोग उस पे चॉकलेट क्रश डालेंगे. चॉकलेट क्रश अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे चॉकलेट गनाज भी थोड़ा सा थिक करके डाल सकते हैं. उसे भी अच्छे से स्प्रेड करना है. अभी हम लोग सेकेंड लेयर रखेंगे और उसे भी सेम वे सोकिंग करना है. सोकिंग आपको हमेशा एजेस से स्टार्ट करना है और सेंटर में आना है. सोकिंग होने के बाद फिर से हम लोग क्रीम यूज़ करेंगे. क्रीम को भी अच्छे से स्प्रेड करना है. वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैंने वो पार्ट कट कर दिया. आपको सेम वे सब लेयरिंग करनी है. बस आपको साइड पार्ट दिखाऊंगी कि उसको कैसे कवर करना है. बहुत से लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि क्रम कोटिंग अच्छे से होता नहीं है, क्रम्स बाहर आ जाते हैं. तो उसके लिए आप अगर हमेशा पाइपिंग बैग में क्रीम यूज़ करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे तो वो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग देगा. आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है. और अभी मैं यहाँ पर स्क्रैपर यूज़ करूँगी. स्क्रैपर के हेल्प से हम लोग स्ट्रेट लाइन लेंगे. और अगर आपको स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए तो आप जिगजैग भी कर सकते हैं उसी स्क्रैपर को यूज़ करके. मैंने दोनों ट्रिक आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं. इसको वेव्स लाइन बोलते हैं. और देखिए केक का लुक कितना अच्छा लग रहा है. अभी हम लोग चॉकलेट गनाच इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे. मैंने थोड़ा सा चॉकलेट गनाच ठीक रखा है. पैलेट नाइफ के हेल्प से उसे अच्छे से स्प्रेड करना है. यहाँ पे मुझे नेचुरल ड्रिपिंग दिखाना है. सो मैं इसे धीरे धीरे एजेस की तरफ स्प्रेड करूँगी. स्प्रेड होने के बाद आपको केक थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना है ताकि हमारा केक अच्छे से सेट हो जाए. अभी टाइम है डेकोरेशन का. सो डेकोरेशन के लिए मैंने पाइपिंग बैग में स्टार नोजल डाला है. और जो हमने चॉकलेट गनाच रेडी किया था उसे थिक करने के लिए मैंने 1 घंटे के लिए उसे फ्रिज में रखा था. ठीक होने के बाद आप पाइपिंग बैग में उसे डाल के आपको जो चाहिए वो डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे सिंपल एक डिज़ाइन रेडी किया है, आप देख सकते हैं. और अभी मैंने डार्क चॉकलेट के बड़े बड़े पीस सेंटर में लगा दिए हैं. फ्रेंड्स, हमारे केक का नाम है गोल्ड चॉकलेट फंटासी केक. सो हम लोग यहाँ पर गोल्ड डस्ट यूज़ करेंगे. सो मैंने यहाँ पर गोल्ड डस्ट ले लिया है और ब्रश के हेल्प से उसे सिर्फ केक के ऊपर डस्ट करूँगी. जहाँ पे मैंने बॉर्डर निकाला है उसके ऊपर ही डस्ट यूज करूँगी. और अगर आपको गोल्ड कलर डार्क दिखाना है सो इसके लिए आपको गोल्ड डस्ट में उड़का डालना पड़ेगा और उसे मिक्स करके आप ब्रश के हेल्प से उसे लगा सकते हैं. आप देख सकते हैं कितना डार्क कलर दिख रहा है. सेम लिक्विड मैंने जो हमारा साइड का नेचुरल ड्रिपिंग है चॉकलेट गनाच का उसके ऊपर भी लगा दिया है. सो उसका लुक और ज़्यादा उठ के दिख रहा है. और आप फाइनल लुक देख सकते हैं कितना अच्छा और अमेजिंग लग रहा है केक. बहुत ही इजी मेथड है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए. और बीच में मैंने सेंटर में थोड़ा सा स्प्रिंकल यूज़ किया है. ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हैं.
आई होप आपको गोल्ड चॉकलेट फंडासी केक पसंद आया होगा। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, साथ ही में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे जितने भी नए वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन हैं वो आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पे मिलते रहे। मिलते हैं नए क्रिएटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।